Myogenic theory most pronounced in arterioles, but also seen in arteries, venules, veins, lymphatic vessels. इसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है इसमें होता क्या है सडन स्ट्रेच ऑफ समाल ब्लड वेसल जैसे क्या होता है समूथ मसल ऑफ वैसल वाल कंट्रैक्ट हो जाते हैं इसके दो केसेस हैं केस वन वन ब्लड फ्लो इंक्रीजेस देन आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ आर्ट्रियल प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो मायोजेनिक थीरी क्या करेगी स्ट्रेच ऑफ अकर जैसे क्या होगा समूथ मसल ऑफ समूथ मसल ऑफ वेसल कंट्रैक्ट होगा जिससे क्या होगा ब्लड फ्लो रिड्यूस बैक टू नॉर्मल इसकी दूसरी सूरत क्या है इफ़ ब्लड फ्लो डिक्रीज देन आर्ट्रियल प्रेशर डिक्रीज उसके बाद क्या होगा स्ट्रेच ऑफ वेसल इज लेस जिससे क्या होगा स्मूथ मसल ऑफ वेसल रिलैक्सेस जैसे क्या होगा वेस्कुलर रिजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीजेस बैक टू नॉर्मल मायोजेनिक थ्योरी में क्या होता है मायोजेनिक थ्योरी ज़्यादातर किस में होती है आर्ट्रियोल्स में होती है जबकि ये आर्टरीज़ वेन्यूल्स, वेन्स और लिम्फेटिक वैसल में भी पाई जाती है इसमें क्या होता है सडन स्ट्रेच ऑफ द स्मॉल ब्लड वैसल जिससे क्या होता है समूथ मसल ऑफ द वैसल वाल कंट्रैक्ट हो जाते हैं इसके दो केसेज हो सकते हैं वैन ब्लड फ्लो इंक्रीज दैन आर्ट्रियल प्रेशर आल्सो इंक्रीज दैन स्ट्रेच ऑफ द वैसल अ जो कि स्मूथ मसल ऑफ द वैसल कंट्रैक्ट करवाती है जिससे ब्लड फ्लो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है बैक टू नॉर्मल दूसरी सूरत क्या है कि ब्लड फ़्लो डिक्रीज कर गया है ब्लड फ़्लो के डिक्रीज करने से आर्ट्रियल प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा स्ट्रेच ऑफ द वेसल इज़ लेस यानी कि वेसल कम स्ट्रेच होगी जिससे स्मूथ मसल ऑफ वेसल रिलैक्स होंगे और वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी जब रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा यानी कि नॉर्मल हो जाएगा